नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं राहुल राजपूत। राजधानी जयपुर को स्मार्ट बनाने की कवायद पिछले कई साल से चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी की घोषणा के बाद हर साल पिंक सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए कई हजार करोड़ बजट दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी राजधानी के हालात सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मानसून की एक बारिश ने स्मार्ट सिटी बनने जा रही राजधानी की हकीकत की पोल खोलकर सबके सामने रख दी है। हल्की सी बारिश से ही पिंक सिटी पानी पानी हो गई। जयपुर शहर में जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। ऐसे में सवाल, क्या नगर निगम ने बारिश के मौसम से पहले शहर में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया? जब राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी शहरों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, कैसे स्मार्ट हो रहा है जयपुर? बड़ी बहस में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनके साथ हम चर्चा करेंगे। बारिश के बाद जयपुर शहर का जायजा लिया संवाददाता जितेश जेठानंदानी ने। जयपुर में थोड़ी सी बारिश के बाद आप देख सकते हैं हालात, अभी हम बड़ी चौपड़ पे मौजूद हैं। एक व्यक्ति को देख सकते हैं, गाड़ी खराब हो चुकी है, ड्रेनेज कितना बुरा हो चुका है आप देख सकते हैं। साफ तौर पे ये दृश्य देख रहे होंगे किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर पानी चारों तरफ दिख रहा है, लोगों को आवागमन में ही प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों के बीच में ही बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य किस तरह से नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है लेकिन दावे यहाँ पे फेल होते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जाम की स्थिति बनी हुई है और पानी आप देख सकते हैं कि चारों ओर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से कह सकते हैं कि नगर निगम जिस तरह से बड़े बड़े दावे करता है वो दावे यहाँ पे फेल होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अक्षय के साथ जितेश जेठानंदानी। वही सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से लंबा जाम लग गया। जयपुर वासियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी ने। अभी हम कवर नगर पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ड्रेनेज का क्या हाल है, जयपुर के ड्रेनेज का हाल आप देख सकते हैं। साफ तौर पे हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कवन नगर की, जहां नगर निगम के जो मेयर हैं अशोक लाहोटी बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दावे साफ तौर पे यहाँ पे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों को खासा प्रॉब्लम हो रही है पूरी रोड में। एक बार मैं आपसे कैमरा पर्सन कहूंगा कि पूरी रोड दिखाएं किस तरह से लबालब है पानी से और खासा प्रॉब्लम हो रही है लोगों के वाहनों में भी, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस बढ़ जाता है और लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। आप देख सकते हैं किस कैसा हाल है ये, इस तरह का इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पानी बढ़ जाता है अक्सर यहाँ पर, कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई साहब, गाड़ी बंद होने का वो रहता है, पब्लिक को परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। पर यहाँ पर कोई वो ही नहीं है इसकी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों की, पानी यहाँ पे जाम हो जाता है, गाड़ियाँ खराब हो जाती है लोगों की। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती है, पानी जाम रहता है? भैया काफी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे नीचे उतरते काफी पानी भरा हुआ रहता है, यहाँ पर गाड़ी आने ले जाने में साइलेंसर में पानी घुस जाती है, गाड़ियाँ बंद हो जाती है यहाँ पर। कितनी बार आप कंप्लेन करते हैं? कंप्लेन चार बार तो कंप्लेन करा दी मैं, यहीं पर ठिकाना नारगढ़ रहता हूँ, यहीं पर काफी बार आने जाना रहता है, मेरी दुकान आगे ही है यहाँ पर, वहाँ पर जाते रहते हैं, यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होती है, तो आने जाने में फिर उसको कंप्लेन भी लिखा दी, यहाँ के पार्षद को भी कंप्लेन लिखा दी, फिर भी कोई कुछ वो कार्रवाई नहीं। देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों ने पार्षद तक को गुहार लगा चुके हैं, मेयर तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं क्या हालात है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इन हालातों में सुधार हो पाता है और जयपुर का ड्रेनेज सही हो पाता है। कैमरामैन अक्षय के साथ जितेश जेठानंदानी, इंडिया न्यूज। और बड़ी बहस में इंडिया न्यूज के अहम सवाल, बारिश ने धोया स्मार्ट सिटी का सपना, क्या पिंक सिटी ऐसे बनेगी स्मार्ट? राजधानी के इस हाल का जिम्मेदार आखिर कौन? तो राजधानी जयपुर के इस हाल का जिम्मेदार कौन? तो क्या पिंक सिटी ऐसे बनेगी स्मार्ट? बारिश ने धो दिया स्मार्ट सिटी का सपना। पीएम मोदी का सपना कि पूरे देश में कुछ ऐसे शहरों को चुना जाए जिसे स्मार्ट बनाया जाए, इसमें नाम जयपुर का भी आता है। लेकिन जिस तरीके से मानसून की पहली बारिश जयपुर की धरती पर पड़ी, इसके बाद सब कुछ सामने आ गया, पोल खुल गया कि नगर निगम काम कैसे कर रहा है और स्मार्ट सिटी की बात जो कही जाती है उसे लेकर क्या कुछ किया गया है। सवाल इस बात का कि अब जिम्मेदारी किसकी
तय की जाए इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं बड़ी बहस में। सबसे पहले पर्चे करा देते हैं। धर्म सिंह सिंघानिया जी जो कि कांग्रेस के नेता है, हालांकि उपनेता विपक्ष जयपुर नगर निगम के हैं। दामोदर शर्मा जी पूर्व आयुक्त नगर निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीलदाबाई जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, हालांकि मेयर के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा भी जयपुर वासियों को दी है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले दामोदर शर्मा जी आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि पहले हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, उससे पहले हम इस सिस्टम को समझना चाहते हैं। हमारे पास कुछ आंकड़ा भी है, नगर निगम जयपुर नाला सफाई कार्य वर्ष 2017-18 ये आंकड़े। इस आंकड़े के मुताबिक जयपुर शहर में अगर नालों की संख्या देखी जाए तो 1010 नालों की संख्या है, जिसमें 811 नालों का काम पूरा हुआ है, यानी कि उनकी मरम्मत का काम, उनके रखरखाव का काम पूरा हो चुका है। और जो प्रगति पर है, जिनके काम हो रहे हैं, 57 ऐसे नाले हैं। साथ ही साथ सफाई की आवश्यकता नहीं, कितने नाले हैं उसकी संख्या बता दें, 98 नाले ऐसे हैं जिनमें सफाई की आवश्यकता नहीं है, बाकी बचे 44 इनमें सफाई की आवश्यकता है। तो सफाई किस तरीके से हुई ये सब जानते हैं। वहीं ढक्कन खोलने की स्थिति भी है, ढकने की स्थिति भी है, उसमें से 234 ऐसी जगह देखे जाए मेनहोल्स जो कि ढके ही नहीं गए हैं। सवाल इस बात का है कि इससे साफ समझ में आ रहा है कि जयपुर नगर निगम ने किस तरीके से मानसून आने से पहले काम किया है। ये काम नहीं किया है, ये बस कागज तैयार किया गया है। देखिए, जहां तक जयपुर में नालों की और सीवेज लाइंस की सफाई की व्यवस्था का सवाल है जी, उसके लिए रेगुलरली टेंडर करने की प्रक्रिया है, जिससे एक साफ सुथरे तौर पर नालों की सफाई की व्यवस्था हो सके जी। प्रमुख सवाल इस बात का है कि जब हम नालों की सफाई की बात करते हैं तो जो नालों की संख्या आपने बताई और नगर निगम में इसके आंकड़े भी हैं, वहाँ के मेयर साहब को, वहाँ के कमिश्नर साहब को, और इसीलिए ये कागज हमारे पास है, नगर निगम का जो आंकड़ा है वही आंकड़ा हमारे पास है, लेके बैठा हुआ हूँ, कोई भ्रमित ना कर पाए हमें और दर्शकों। मेन बात इसमें जो है वो ये है जी कि नालों की सफाई बरसात का सीजन आने से एक महीने पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कोई सफाई रह जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराने के साथ ही उससे काम कराया जाना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 20% नालों की सफाई बाकी थी, जिसमें आप बता रहे हैं कि 98 नालों की सफाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि या तो छोटे नाले हैं या उनमें कोई बाधाएं नहीं होंगी, इस बात का पता तो ऑन दी स्पॉट जाने पे लगता है। और इसके लिए जो स्थानीय पार्षद हैं और जिन लोगों के घरों के पास से ये नाले निकलते हैं वो इस बारे में बताते रहते हैं, वो आपको भी बताते हैं, और नगर निगम के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और दूसरे जो सैनिटरी से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनको भी बताते हैं। सैनिटेशन से संबंधित लोगों का ये दायित्व है कि वो सफाई टाइम से करवाएं, और इसके लिए मैं समझता हूँ हम लोग भी पहले करते थे, मेयर साहब और हमने साथ काम किया है, शीलदाबाई जी हमारी मेयर थी और मैं उस वक्त कमिश्नर था, हम यही प्रयास करते थे कि बारिश आने के एक महीने पहले सफाई का काम पूरा हो जाना चाहिए, जिससे किसी तरह की भी नालों में बाधाएं हैं या उनसे जो कचरा निकाला जाता है उसको जहां पर भी भेजना है वहां पर भेजा जा सके, और जब पहली बारिश आती है या दूसरी बारिश आती है तो वही कचरा उन्हीं नालों में वापस नहीं चला जाए बहके। अगर वो कचरा उन्हीं नालों में बहके वापस चला जाता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। कचरे को उसका निस्तारण नहीं किया गया तो वो तो बहके दोबारा तो जाएंगे उसका नाले में जी, जाएगा ही, क्योंकि उसका डिस्पोजल अगर टाइम से नहीं होता है और प्रॉपरली नहीं होता है तो फिर सफाई कराने का कोई मतलब नहीं है, एक बात तो ये है। दूसरा, एक आज जिस टेक्नोलॉजी के युग में हम रह रहे हैं, जहां पर जयपुर शहर को हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं और जिसके लिए 2 साल से भारत सरकार ने इसकी प्रोजेक्ट सैंक्शन करी हुई है, और जयपुर शहर की जो स्मार्ट सिटी बनाने की प्रोजेक्ट है उसकी मोटी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, उसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट रहेगा, जिसमें 50% भारत सरकार दे रही है और 50% नगर निगम को और राज्य सरकार को लगाना होगा, लेकिन इसके काम की जो प्रगति है वो भी बहुत धीमी है और इसमें अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है और खर्चा जो होना था वो भी लेस देन 5-6% ही है। ठीक है, तो इसलिए इस स्थिति में देखने की बात है जो शहर की सफाई है। दामोदर शर्मा जी ठीक है, धर्म सिंह सिंघानिया जी उपनेता भी हैं विपक्ष जयपुर नगर निगम में, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? देखिए, जिम्मेदारी तो जिस प्रकार से आज भाजपा का बोर्ड है और भाजपा का महापौर है तो जिम्मेदारी सीधी सी बात है कि आज महापौर की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे जयपुर शहर में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पानी का भराव हो रहा है, जगह जगह ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा हुआ है,
हमने मानसून आने से पहले इन लोगों को चेताया, हमने मांग पत्र रखी कि आप मानसून आने से पहले नालों की सफाई करें, लेकिन विपक्ष को अनसुना करके इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए ये रखा कि जब बरसात आएगी जल्दबाजी में अपन इस चीज को भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए वो टेंडर करेंगे, टेंडर वर्क ऑर्डर देंगे। क्योंकि आप देखिए अभी दामोदर जी कह रहे थे कि बरसात से आने से एक महीने पहले नालों की सफाई हो जानी चाहिए, और बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से नालों की सफाई होती है वो बाहर कचरा पड़ा रहता है, उसके बाद वो करीब 10 से 15 दिन सूखने का समय लगता है और फिर उसको उठाया जाता है, उस समय में करीब 1 से 1.5 महीना उस पीरियड को लग जाता है। लेकिन अब देखिए अभी भी आप देखिए 20% नाले सफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ये कागजों में सिर्फ तैयार हो रहे हैं। आज कागजों में कह दिया गया है कि साहब हमने 90% नाले साफ कर दिए, हमने ये नाले सफाई की है, बांध सफाई की है, लेकिन आज ही महापौर अगर दौरे पर निकलता है कहीं ना कहीं तो उसको खुद को महसूस होता है कि नालों की सफाई नहीं हुई, इस बार ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारा गया। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ है कि अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, उनको बीच में जो गैप रहा है उसकी वजह से जनता को आज ये भुगतना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज नगर निगम में कार्य प्रणाली हो रही है, नगर निगम में कार्य किया जा रहा है, आप देखिए एक घर में 20 सदस्य होते हैं, उस सभी सदस्यों का एक मुखिया होता है, वो अपने अपने काम का बंटवारा कर दिया जाता है कि आप ये काम संभालेंगे, आप ये काम संभालेंगे, लेकिन महापौर एक तरफा अपना कार्य प्रणाली अपना रखी है कि मैं जो कहूंगा वही काम होगा। क्यों नहीं समितियां बनाते हैं, क्यों नहीं साधन सभा की मीटिंग करवाते हैं? सभी पार्षदों को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप इस काम को संभालेंगे। जयपुर शहर पानी पानी जिम्मेदार आपके मुताबिक महापौर मेयर? बिल्कुल 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 ठीक है। शिंदा भाई जी, मेयर के तौर पर आप सेवा कर चुकी हैं जयपुर की, सवाल यह है कि ये तस्वीर अब ऐसे क्यों? देखिए राहुल, जैसा कि आप बता रहे, आपने भी आंकड़े बताए कि 70-80% नालों की सफाई हो चुकी है, और जहां तक जो कुछ नाले रह गए वो प्रोसेस में हैं, और मैं जहां तक समझती हूँ कि ये तो कागजों में बताया गया है ना, वास्तविक स्थिति कुछ और है। नहीं, आप कागजों का आंकड़ा देखकर हमें और दर्शकों को भ्रमित ना कीजिए, जो स्थिति है नहीं, उसकी भी बात कर लीजिए। भ्रमित करने की कोई बात नहीं है, हम खुद मान रहे हैं कि कुछ नाले रह रहे हैं जिनमें प्रक्रिया चल रही है, कुछ की वजह से पानी पानी जयपुर नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा कुछ की वजह से पानी पानी नहीं हो सकता जयपुर। नौबत नहीं, बिल्कुल ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी। मैं आज इस नौबत तो आ चुकी है शिंदा भाई जी, कैसी शिंदा भाई जी, नौबत तो आ चुकी है, अब कब नहीं आने देंगे? अगले साल मानसून के दौरान? नहीं नहीं, देखिए एक बात और मेरी, कि सिर्फ ये दायित्व ओनली महापौर का भी नहीं है, जितने भी हमारे पार्षद चुन के आए उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने वार्ड में जब सफाई हो रही है, हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि जब नाले साफ हो जाते हैं तो वहां के पार्षद के साइन होते हैं, तो उन पार्षद को साइन नहीं करना चाहिए कि ये नाले की सफाई हुई है या नहीं है। नहीं, आरोप किस पर लगा रही है जो कांग्रेस साइन नहीं करना चाहिए? कोई साइन नहीं करवाया इस बार, कोई नहीं, बिल्कुल राहुल जी, इस बार कोई साइन नहीं करवाया, महापौर एक तरफा अपना राज कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी साइन किसी पार्षद से नहीं करवाए, महापौर साहब खुद अपने साइन करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी फाइलें एआरसी कर दी, बड़े बड़े नालों की एआरसी कर दी, समझेंगे मेरे साइन को, समझेंगे पहले, बात पूरी हो जाने दीजिए शिंदा भाई। नहीं होता, देखिए जब तक पेमेंट नहीं होता, जब तक वहां के स्थानीय पार्षद के साइन नहीं हो जाते, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, महापौर की जिम्मेदारी है, ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी है, जो वहां पर सी है, सीओ है, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जयपुर हिंदुस्तान का एक जाना पहचाना और टूरिस्ट इतिहास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसकी छवि, इसकी नहीं, बिल्कुल मैं मौजूदा स्थिति को ही सुधारने की बात कर रही हूँ। तो ये नगर निगम कमिटमेंट है इस बात का कि जब तक मानसून आ रहा है इससे पहले पहले सफाई हो जाएगी, और शहर को किसी भी हाल में नहीं, वो दिख रहा है मानसून आने से पहले सफाई की व्यवस्था इतनी बेहतर है, पानी निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई है, गलियां जो है वो नहर के रूप में दिखाई दे रही है। वोट मांगने से बढ़िया है अब वोट तो दे ही वोटर, अब सर जो भी मेयर हो या जो सरकार है उनसे वोट भी मांग ले, ताकि निकलने के लिए उनके लिए एक साधन भी हो जाए इन गलियों इन सड़कों पर। आप तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, बने रहिए, यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, बड़ी बहस जारी है।